नमस्कार दोस्तों, राम राम, कैंसो कैसे काय, सत श्री काल। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 160 गज का 3 BHK फ्लैट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 BHK फ्लैट रहेगा दोस्तों 160 गज में, और वो भी बोथ साइड ओपन। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बोथ साइड ओपन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यानी कि वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फ्लैट ना दोस्तों, अभी हमारा जो सैंपल फ्लैट है वो रेडी कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ 3+1। जी हाँ दोस्तों, 3+1 यानी कि एक आपको ऐसा कमरा हम देंगे, या तो आप उसको स्टोर रूम बना लीजिए या फिर आप मंदिर बना सकते हैं, एज योर चॉइस। जी हाँ दोस्तों, सेक्टर 123 सेनिन क्लब मोहाले के अंदर। लेकिन मुझे ना आप सबसे एक चीज की ही नाराजगी रहती है, वो रहती है कि आप चैनल पे आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी आपकी क्वेरी भी आती है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं मेन एंट्रेंस पे, डोर पे आइए। ये देखिए दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हैं शानदार डोर रहेगा, क्या बात है। आप देख सकते हैं सेम एज इज कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको डोर मिलने वाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे सेम कॉन्सेप्ट में, और डिजिटल लॉक के साथ। ये देखिए क्या बात है, डिजिटल लॉक, फिंगरप्रिंट, आप आराम से आप अपने घर को मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिस मैंने कमरे की आपको बात की थी, बताया था कि आपको 3+1 यानी कि स्टोर रूम या मंदिर आप बना सकते हैं, एंट्रेंस पे ही दोस्तों ये कमरा रहा। आप देख सकते हैं शानदार, ये आपको सेम एज इज कॉन्सेप्ट में मिलने वाला है, वार्डरोब हम ऐसे लगा कर देंगे, और ऊपर आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग आपको एज इज हम देने वाले हैं, वो भी आपको स्टोर रूम के अंदर। और अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये है आपका ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, सेम एज इज आपको ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया हम देने वाले हैं, लाइक जैसे आप एलईडी पैनल देख पा रहे हैं दोस्तों, सेम ऐसा आपको एलईडी पैनल भी देने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं वॉलपेपर, वॉलपेपर ना दोस्तों आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा आप वॉलपेपर चाहते हैं वैसा वॉलपेपर हो जाएगा। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम एज इज कॉन्सेप्ट में डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है, प्रोफाइल लाइट्स है, लाइट्स है वो आपको मिलने वाली है, और भी कोई चीज आपने ऐड करवानी है वो भी हो जाएगी। एसी का प्रोविजन दिया गया है दोस्तों, और प्लस पॉइंट क्या है, जो किचन है ना, किचन के साथ में वॉश बेसिन भी हम बना के दे रहे हैं, वो भी एक अच्छे खासे एलईडी लाइट्स के साथ मिरर, ये आप देख सकते हैं क्या बात है। शानदार वुडन पार्टीशन हमने यहाँ पे किया है, और ये देख सकते हैं कैबिन, ये देखिए शानदार कैबिन रहेंगे दोस्तों, और यहीं पे आपको एक अच्छा खासा मिरर मिल जाता है, और एल शेप में आप देख सकते हैं ये आपको किचन मिलने वाली है, स्पेसियस किचन है दोस्तों। साइज देख सकते हैं किचन का, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा, वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, अच्छे खासे साइज में आपको ये किचन मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपके सिंक आ जाएंगे, और जो हमने यहाँ पे मार्बल नहीं यूज किया दोस्तों, यहाँ मार्बल की जगह हमने अलग कॉन्सेप्ट में इसका काम यूज किया है, ताकि जो लाइफ है आपकी किचन की वो बनी रहे। और यहाँ पे टाइल्स हमने लगाई है, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं सेम एज की, प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पे भी लगाई है, और ये आप देख सकते हैं ये कैबिन आपको प्रॉपर एज इज मिलने वाले हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर ग्लास हमने लगाए हैं, ये देखिए क्या बात है, कैबिन की कमी नहीं रहने वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों चिमनी की, चिमनी का प्रोविजन हमने दिया है, आरओ, चिमनी, गीजर सब कुछ दोस्तों हम प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों कैबिन, क्या बात है, सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे दोस्तों, ये देखिए क्या बात है, सॉफ्ट क्लोजर हमारे ये जितने के सारे कैबिन रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल के स्विचेज रहने वाले हैं। और अभी मैं लेके चलता हूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बेडरूम में, आइए दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, क्या बात है, 11x13 का दोस्तों फर्स्ट बेडरूम का साइज रहने वाला है, स्पेसेस दोस्तों हमारा ये बेडरूम रहने वाला है, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं सेम एच डी कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है, आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट्स के साथ। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी विंडो मिल जाती है टफन ग्लास के साथ, और अटैच वॉशरूम रहेगा आप देख सकते हैं, क्या बात है, फुल हाइट तक टाइल्स रहेगी, क्या बात है, ये देखिए शानदार फुल हाइट तक टाइल्स रहेगी, डाउन सीलिंग हमने इसमें भी प्रोवाइड की है दोस्तों। और इसी बेडरूम के में ना दो चीजें कॉन्सेप्ट में हमने क्या बनाई है, आप देख सकते हैं ये आप इसको स्टडी टेबल बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको, ये हमने एलईडी पैनल बनाया दोस्तों,
तो दोस्तों ये वार्डरोब देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सनमाइका कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं दोस्तों, जैसा आप कलर चाहते हैं सेम वैसा कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शानदार मिरर आपको मिल जाता है, ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। अब लेके चलता हूं मैं आपको सेकंड बेडरूम में, साइज में आपको बता देता हूं दोस्तों 11x13 के तीनों बेडरूम के सेम साइज रहने वाले हैं। सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं, अभी काम मैंने बताया ना दोस्तों, काम चल रहा है तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों जो ये बेडरूम है, ये बेडरूम भी दोस्तों 11x13 का रहने वाला है। साइज की बात कर रहा हूं दोस्तों, डाउन सीलिंग आप देखते हैं सेम एज इट इज डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया दोस्तों, आपको एक अच्छी खासी है वेंटिलेशन के लिए, एक विंडो मिल जाती है, अटैच यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, टाइल्स का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, और काम देख सकते हैं, वर्क देख सकते हैं, जैगवार की दोस्तों यहाँ पे सैनिटरी रहने वाली है। और अभी ये देखिए, ये है वार्डरोब, वार्डरोब आप देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमने थीम अलग अलग कमरे की अलग अलग रखी है, वॉलपेपर जैसा आप चाहते हैं दोस्तों वैसा लग जाएगा। आप वार्डरोब देखिए दोस्तों, अपर कैबिन आप देख सकते हैं और स्लाइडिंग के साथ आपको ये वार्डरोब मिलने वाली है। अंदर के कैबिन देख सकते हैं, एक अच्छे खासे यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, कैबिन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही एलईडी पैनल भी सेम एज इट इज कलर में आपको मिलने वाला है। और जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना, थर्ड बेडरूम का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आइए, थर्ड बेडरूम भी दोस्तों बहुत ही शानदार, और वेंटिलेशन जो मैं आपको बता रहा ना, वो सेम सारी चीजें मिलने वाली है इस 3 BHK फ्लैट के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, जो ये वर्क है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है, अगर आप सेम कॉन्सेप्ट चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन हम हमारी तरफ से यहाँ पे वॉलपेपर के साथ ही डिलीवर करेंगे फ्लैट को। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट में डाउन सीलिंग मिलने वाली है, प्रोफाइल लाइट सेम एज इट इज मिल जाएगी, और वार्डरोब आप देख सकते हैं दोस्तों, शानदार वार्डरोब रहने वाली है। ये देखिए अपर कैबिन आप देख सकते हैं दोस्तों, स्लाइडिंग वार्डरोब देख सकते हैं, शानदार अच्छे बड़े स्पेसिस दोस्तों कैबिन हमने यहाँ पे बनाए हैं, एक ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है, और सेम कलर का दोस्तों एलईडी पैनल आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सेम कलर का एलईडी पैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, अगर आप फिर भी कुछ चेंजिंग करवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और अटैच आपको दोस्तों वॉशरूम मिल जाएगा। ये देखिए क्या बात है, इसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट्स रहेगी और फुल हाइट तक टाइल्स रहेगी, आप देख सकते हैं वेंटिलेशन का हमने प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये है वॉशिंग एरिया, ये देखिए वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, बोथ साइड ओपन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये हमने गेट लगाए, पीछे ना गली है दोस्तों, आप मेरे को मैं खोल के दिखा सकता हूँ। ये देखिए ये पीछे गली है दोस्तों, 35 फीट की इसके बैक साइड में गली है, ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों इसको बोथ साइड ओपन इसलिए बोल रहा हूँ। और बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, कनेक्टिविटी की, लोकेशन की, लोकेशन की बात करो दोस्तों, अरिस्टा पैलेस वाला जो रोड है, अगर दोस्तों जिन लोगों को पता है तो वो समझ ही गए होंगे, 123 सेक्टर सन एनक्लेव एयरपोर्ट रोड, अगर मैं मेन हाईवे की बात करूं दोस्तों, यहां से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ही एयरपोर्ट रोड है दोस्तों, 1 किलोमीटर नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ही हमारा ये प्रोजेक्ट आता है दोस्तों। 3 BHK 161 गज का 3 BHK फ्लैट ये रहने वाला है विद स्टोर। प्राइस की बात करूँ दोस्तों, स्टार्टिंग प्राइस मैं बता देता हूँ, 4990 से दोस्तों इस फ्लैट की शुरुआत है, थोड़ी सी भी देरी ना कीजिए दोस्तों, कुछ ही यूनिट बची हुई है, मिलेंगे आपके साथ, आपकी विजिट के साथ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।